नमस्कार दोस्तों, क्या आपने 40 साल पुराना गांव देखा है? क्या आपका बचपन गांव में बीता है? क्या आपकी कोई याद गांव से जुड़ी है? क्या आपको गांव की जिंदगी पसंद है? ऐसे कई सवालों का जवाब है ये वीडियो। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हर एक दिल का जज्बात है, हर एक दिल से जुड़ी हुई यादें हैं। तो दोस्तों, आइए आपको एक 40 साल पुराने गांव के सफर पर लेकर चलते हैं। इस सफर में आप गांव के हर उस एक जज्बात को महसूस करेंगे जिसकी आज तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आइए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गांव के इन कच्चे रास्तों से हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन कच्चे रास्तों में चलने में भी एक अलग सुकून है, हवा की एक अलग ताजगी है। रास्ते में कीचड़ भी है, लेकिन इन कीचड़ों में से भी उठती मिट्टी की खुशबू हमें मदमस्त कर रही है। कच्चे मकानों, बैलगाड़ियों से सजे रास्ते हमें बता रहे हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आगे हमें गांव की और खूबसूरती देखने को मिलेगी। जरा रुकिए दोस्तों, जरा कुएं का ठंडा पानी तो पी लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, दोस्तों ये पानी की शीतलता आज के समय में हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है दोस्तों, दोस्तों अब तो गन्ने का ताजा रस पीने को मिलेगा। दोस्तों ये घाना है, यहाँ पर गन्ने का रस निकाला जा रहा है और इसी से यहीं पर गुड़ भी बनेगा। चलो गुड़ की मिठास बाद में लेंगे, पहले बाकी गांव घूम लेते हैं। अरे ये क्या है, गाय का ताजा दूध? अरे भाई, खाने पीने का असली मजा तो गाँव में ही है। इन सब के बीच से निकलकर हम उस ओर मुड़ लिए जहां कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। दोस्तों ये भीड़ तो मड़ई उठाने के लिए इकट्ठी हुई है। दोस्तों उस समय छत के लिए ज्यादातर मड़ई का ही उपयोग होता था और उस समय पूरे गांव के लोग निस्वार्थ मड़ई उठाने के लिए इकट्ठा होते थे और इन मड़ई वाले मकानों में भी एक अलग तरह की ताजगी और सुकून होती थी। दोस्तों पूरे गांव के सफर को एक वीडियो में दिखाना असंभव है, लेकिन दोस्तों आइए पहले इन कीचड़ वाले रास्तों से आगे बढ़ते हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि इन कीचड़ वाले रास्तों से लोग कैसे जाते होंगे, लेकिन दोस्तों इस प्रकार की कोई दिक्कत उस समय नहीं थी। खैर अपनी अपनी सोच। दोस्तों अब हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं इन खाटों पर, एक सुखद नींद का एहसास कर लेते हैं और थोड़ी देर के आराम के बाद गांव का खूबसूरत सफर जारी रहेगा अगली वीडियो में। तब तक थोड़ा सा लेते हैं अल्पविराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी थोड़े से आराम फरमा लें। जय हिंद, जय भारत।